दीपक प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन संबंधी सीटू ने धामी, बसंतपुर और नोगली से 6 मजदूरों को मनमाने तरीके से निकालने के विरोध में शुक्रवार को कमांडर ऑफिस यूरी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सीटू राज्य उपाध्यक्ष बिहारी सेवगी, जिला अध्यक्ष कुलदीप और यूनियन के सचिव प्रेम सिंघानिया व अध्यक्ष प्रेम ने कहा कि दीपक प्रोजेक्ट प्रबंधन द्वारा श्रम कानूनों की खुली उल्लंघना की जा रही है। देश के किसी भी श्रम कानूनों को लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश चलो 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 स्टार्ट। मैं प्रेमलाल, जिला शिमला सीपीएल मजदूर यूनियन महासचिव। आज यहाँ पे जो ये BRO मजदूर इकट्ठा हुआ है, ये पिछले दिनों जो है BRO प्रशासन द्वारा जो यहाँ पे मजदूरों को गैर कानूनी तरीके से जो है उनकी छटनी की जा रही है। BRO में मजदूर पिछले 15-20 से लेकर 30-40 सालों से जो है काम कर रहा है, परंतु आज यहाँ पर जो प्रशासन द्वारा उनकी छटनी जो है गैर कानूनी तरीके से की जा रही है। और इसके साथ में जो हमारा मासिक वेतन है, जो वेतन मिलता है, वो वेतन जो है 2-2 महीने के बाद मिल रहा है। और इस वजह से जो है मजदूरों को अपना जीवन निर्वाह करने में परेशानी हो रही है, इसलिए भी आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इसके साथ अप्रैल 2019 में एक नेगोशिएशन के तहत जो हमारा एक फैसला हुआ था BRO के साथ में मजदूर यूनियन का, उसमें समय पर वेतन, ग्रेजुअलिटी, स्वास्थ्य सुविधा और एक जो पंजीकरण मजदूर निर्माण कर्मी का पंजीकरण और यूनिफॉर्म और बहुत सारी बातों को लेकर इस पर जो है एक बहस हुई थी, जिस पर जो है उसमें एक ये फ्रिक्शनल ब्रेक हमारे को जो देते हैं 6 महीने के बाद, उस पर भी जो है उसमें फैसला हुआ था कि ये नहीं दी जाएगी। परंतु यहाँ पर प्रशासन अपनी मनमर्जी से जो है गरीबों की मजदूरों की छटनी और उनका शोषण और समय पर वेतन, ये इन सब बातों पर जो है प्रशासन एक कर रही है जो है बहुत ही उदासीन है। इसलिए आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और तब तक हम जो इस आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती और मजदूरों को वापस जो है नौकरी पर नहीं रखा जाता।